दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आपने देखा होगा 31 जुलाई को ब्रज मंडल मेवात यात्रा निकाली गई थी। वहाँ पर शिव जी के दर्शन के लिए गए थे और भी मेवात एरिया में जितने भी मंदिर थे वहाँ पर दर्शन के लिए गए थे, जलाभिषेक के लिए गए थे और जिसमें महिलाएं भी थी। तो अब तक आपने देखा होगा बहुत सारे पुरुषों के इंटरव्यू आपने देखे होंगे लेकिन महिलाओं का इंटरव्यू नहीं देखा होगा। इन्होंने मेवात जाकर कैसा महसूस किया, क्या एक्सपीरियंस रहा, ये लोग बताएंगे। वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, वीडियो में किस तरह से दंगे फसाद हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, फायरिंग हो रही है, पूरे पहाड़ों से फायरिंग हो रही थी, हर चीज़ आपने देखा होगा। लेकिन ये लोग बताएंगी क्योंकि ये लोग वहाँ पर मौजूद थी, ये लोग बताएंगी वहाँ पर जाकर इन्होंने कैसा अनुभव किया। तो सबसे पहले हम रजनी भाटिया जी से बातचीत करेंगे, उसके बाद कशिश जी से बातचीत करेंगे, जवाहर कॉलोनी में ये रहती हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। क्या नाम है? रजनी भाटिया सर। आप गए थे वहाँ पर मेवात? जी सर, जी सर। 31 जुलाई को? हाँ जी सर। कैसा रहा आपका अनुभव सर? अच्छा लगा कि नहीं? सर अच्छा इस बात का रहा कि जो वहाँ देशद्रोही हमारे सामने आए हैं, कि देश के अंदर इतनी नफरत फैली हुई है, ये देखकर अच्छा लगा कि हम इस मुहिम से जुड़ गए। और दूसरा, जब हम गए थे उस वक्त तो सारे ही डरे हुए थे। 1:30 बजे से लेके 7 बजे तक हमने गोलियां पथराव झेला है, हमारे भाइयों को हमारे सामने गोलियां लगी है, लेकिन हमारे भाई गेट पे खड़े हुए थे ताकि हमारी बहनें सुरक्षित रहे, ये हमारे लिए बहुत फख्र। कहाँ पर फंसे थे? कहाँ पर सर? नल्लड़ महादेव मंदिर है जिसकी महिमा अब अपरंपार हो गई है, क्योंकि उसी भोलेनाथ ने हमें बचाया है, उन्हीं से हम लिपट गए थे। उस दिन प्रदोष व्रत भी था, उन भोलेनाथ की कृपा से हमारे पूरे फरीदाबाद वासी और वापिस आए हैं, लेकिन कुछ भाई हमारे जो शहीद हो गए हैं उनकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन खेद है हमें। अगर वो लोग भी मंदिर में पहुंच जाते तो शायद भोलेनाथ जी बचा लेते, आपका ये कहना है? हाँ, भोलेनाथ जरूर बचाते सर हमें। जिनके पास हम जल अभिषेक यात्रा पे गए थे, हमारा कोई ऐसा तो इरादा था नहीं, और एकदम से इतना बड़ा घटित हो गया, उपद्रवी आगे, बहुत सोच समझ से बाहर था, लेकिन हमारी बहनों ने भी हिम्मत नहीं हारी और हमारे भाइयों ने भी हमारी पूरी तरह से मदद की। और हम सेना को भी सल्यूट करते हैं जिन्होंने शाम को हमें सुरक्षित वहां से निकाल के अपने अपने घरों में भेजा। तो फरीदाबाद से पाली होते हुए, सोना होते हुए आप लोग गए थे, तो कहां से ये पथराव शुरू हो गया, आपको कुछ याद है कि नहीं? सर हमने बस से थे, आप बस में गए थे, किरण ट्रेवल्स की बस थी 2500 नंबर। हमने 12 बजे के करीब सोना क्रॉस किया था। बच्ची की जला दी गई? हमारी बस सर सही सलामत वापस आई है, और हम ड्राइवर भैया के भी शुक्र गुजार है कि उन्होंने हमें सुरक्षित फरीदाबाद पहुंचाया। तो कहां से पथराव शुरू हो गया? सर मंदिर के अंदर ही पथराव चल रहा था। जब हम 3 बजे वापसी के लिए निकले तो बाहर बात चल रही थी कि बाहर बहुत लड़ाई हो रही है, पथराव हो रहा है। हमारे सामने भी, हम जब बाहर निकले थे, एक बाइक वाले को पत्थर लगा और जिन्होंने पत्थर मारा था वो खेतों में से भाग रहे थे। तब हमें इतना समझ नहीं आ रहा था कि नॉर्मल बात है, हमने ऐसा कभी माहौल देखा नहीं था। लेकिन जब हम वापस जाके बस में बैठे और थोड़ा ही दूर पहुंचे तो आगे बसें जल रही थी और लोग वापस भाग रहे थे, हमारे सामने एम्बुलेंस में हथियार रखे जा रहे थे। वो बहुत खतरनाक सीन था हमारे लिए, उस वक्त समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो फिर हमें वापस ही बसें मोड़ के मंदिर में ले जाया गया। 3:30-4 बजे के करीब हम वापस मंदिर पहुंच गए थे। तो सड़क किनारे जो मकान थे, होटल थे, जहां से पत्थरबाजी वगैरह हो रही थी, तो आपने ऐसा कुछ देखा था? सर पत्थर तो किधर से आ रहे थे? उस वक्त तो यही था कि बस में से हमें निकलने नहीं दिया गया कि हमारे भाई बाहर लड़े जहाँ हमें बचाए। उन्होंने बोला बस से बाहर मत आओ, बस हमारी बस वहां से घुमा ली गई थी और आगे लड़ाई जो हो रही थी वो हमने देखी नहीं है, सुनी जरूर है। आप दोबारा जाओगे वहाँ? जरूर जाऊंगी सर। सावन दो महीने नहीं लगा? नहीं सर डर नहीं लगा, सावन 2 महीने का है, ये 15 अगस्त निकल जाए द्वारा से अपनी जल अभिषेक यात्रा पूरी करेंगे और तीनों मंदिरों में जाएंगे। लेकिन वो लोग चाहते थे आप लोग इतना डर जाओ, इतना डर जाओ कि मंदिर में वापस ना आओ, लेकिन आप फिर जाएंगे? सर प्रशासन ने इतना बढ़िया कर दिया, अब परमानेंट वहाँ पर आर्मी हेडक्वार्टर बन जाएगा, हमारे भाई वहाँ पर होंगे, हमारे अपने वहाँ पर है, पहले भी हमारे अपने थे लेकिन पता नहीं था वो अपने हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, अब तो बिल्कुल ही अपने वहाँ पर अपने भाई है, तो जरूर जाएंगे सर। कोशिश तैनात हो गई तो आपको डर नहीं लगेगा? नहीं सर, अब जरूर जाएंगे, कोशिश करेंगे सावन खत्म होने से पहले एक बार जरूर जाकर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मंदिर बढ़िया है वहाँ पर? मंदिर बढ़िया है। और सर जैसे उस दिन प्रदोष व्रत था, हमने शाम के टाइम पंडित जी ने हमें उसकी महिमा बताई, पंडित जी भी बहुत निडर होके हमें समझा रहे थे ताकि श्रद्धालु डरे ना,
और हम चाहेंगे कि उस मंदिर को भी मोदी सरकार राम मंदिर की तरह ही नव निर्माण करवा के उसे तीर्थ स्थल के रूप में बना दे, क्योंकि उन्होंने हमारे को बचाया है। मतलब हम देख रहे रजनी भाटिया का साफ साफ कहना है, इनकी मांग है कि जिस तरह से जिस तरह से राम मंदिर बना दिया गया अयोध्या में भव्य, उसी तरह से नल्हड़ का महादेव मंदिर भी भव्य बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ चमत्कार हो गया है, भगवान ने इनकी रक्षा की है, तो वहाँ पर भी भव्य मंदिर बनाने की मांग रजनी भाटिया की तरफ से की जा रही है। उस महादेव ने हमें बचाया है, इतने लोगों को सुरक्षित, छोटी छोटी लड़कियाँ जिनको वो कह रहे थे हम खींच कर मेवात ले जाएंगे, कितनी बड़ी बात थी कि हम इनको सालियों को 8 बजे खींच के मेवात ले जाएंगे। तो सर उस वक्त बोलने में और उस वक्त भावुक हो गई, उस वक्त मैं समझ सकती हूँ, उस वक्त बहुत बुरे हालात थे कि सालियों को हम 8 बजे में बात ले जाएंगे सर। ऐसा बोल रहे थे वो सर। अच्छा, जहाँ मंदिर में आप लोग थे, ऊंचे पहाड़ थे, तो वहाँ हजारों लोग कहाँ से आकर खड़े हो गए सर? तो गोलियां हमारे सामने चढ़ रहे थे, साइडों से चढ़ रहे थे सर, ऊपर चढ़ रहे थे, ऊपर से फायरिंग हो रही थी मेरे सामने। कम से कम 5 बच्चों को गोली लगी है, एक के कान पे, एक की टांग पे, एक को, एक लड़के को बहुत मारा, जिसको अंदर खींचा उसकी पसलियां तोड़ दी थी सर, उसको बहुत पता नहीं कौन कहाँ पर है या नहीं है। लेकिन उस वक्त सर हालात बहुत खराब थे, अभी तो बहुत उस वक्त हम डर गए थे। लेकिन जेटली जी का भी शुक्रिया, जेटली जी को मैंने फ़ोन करा, मेरे भाइयों ने भी इधर से फ़ोन करा है, मेरे भाई जी बैठे हैं, इन्होंने भी जेटली जी से बात करी और फोर्स आई। मैं राजीव जेटली जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने फोर्स भेजी और हमारी छोटी छोटी बच्चियों को सुरक्षित बचा लिया, जिनको वो कह रहे थे हम खींच के में बात ले जाएंगे। तो चलो, अब तो सरकार का एक्शन वहाँ पर ठीक है, बुलडोजर चल रहे हैं जहाँ से पत्थर बरस रहे थे सर, सुना आपने देखा कि नहीं? जी सर, मैंने देखा भी है, सुना भी है। सरकार के फैसले पे हमें गर्व है कि दोषियों को सरकार सजा दे रही है। लेकिन बस अब यही विनती भी है कि हमारे जिन ड्राइवर भाइयों ने बसें सुरक्षित लाए हैं, उन ड्राइवर भाइयों को भी कुछ ना कुछ इनाम दिया जाए और मंदिर को राम मंदिर की तरह ही तीर्थ स्थल बना दिया जाए। चलो, बहुत बढ़िया। रजनी भाटिया की मांग देखते हैं, सरकार मानती है कि नहीं। कशिश जी, कशिश नाम बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम। अब बताइए, कैसा लगा आपको वहाँ जाकर? मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे को उस मंदिर के दर्शन करने को मिला। दर्शन भी हमने बहुत अच्छे से किया, लेकिन थोड़ी देर बाद हम जब निकलने को कोशिश की हमने, तो आगे देखा गया कि 2 बसें जला दी गई और 4 व्हीलर जला दिए गए, और जो खेतों की साइड हम अपने गाड़ी के पास खड़े थे, तो खेतों के पास से ये पत्थरबाजियाँ छोटे छोटे लड़के करने लगे। ऐसे लग रहा था कि पूरा आतंकवादी जो होते हैं ना, मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकती, बस यही समझती हूँ, माइंड में यही होता है कि वो सारे आतंकवादी पूरे देश के जितने थे ना, सब इकट्ठे होके वहीं पहुँच गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और हम इतने वो हो गए थे कि अब क्या बताया जाए। लेकिन मेरे बजरंग दल के कुछ भाई लोग गए थे, जिन्होंने हमें 5 घंटे तक सपोर्ट किया, हमें बचाया, उन आतंकवादियों से हमें बचा के रखा, उन मेवातियों से बचा के हमें रखा। मैं यही कहूँगी सरकार से कि इस मंदिर को अब ऐसा कर दिया जाए कि हमारे योगी आदित्यनाथ की तरह उस मंदिर पर किसी भी अजनबी और जो ये आतंकवादी किसी की नज़र तक ना पड़ सके। सिर्फ हमारे हिंदुओं का मंदिर है और हिंदुओं का ही मंदिर रहना चाहिए। वहाँ मेवातियों को बिल्कुल एक एक बंदे को वहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि अब हम उन्हें देखना ही पसंद नहीं करना चाहते। मेवातियों की बात करें तो मेवात में कुछ हिंदू भी हैं, बेचारे कम हैं लेकिन हिंदू भी हैं, तो उनके लिए आप क्या सोचते हैं? उन हिंदू भाइयों के लिए मेरे दिल में बहुत वो है, उन बेचारे एक हिंदुओं का परिवार था वहाँ पे, उन लोगों ने हमें पानी पिलाया और हमें बैठाया, हमें शरण भी दी कि आइए आप लोग बैठिए, और इस तरीके से हम लोगों का उन्होंने किया, जैसे लगा कि हम अपने ही जगह पे आए हुए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हम सारे मंसूबों पे पानी फिर गया, जिस तरीके से हम जिस खुशी से उल्लास से गए थे भजन करते हुए, भजन गाते हुए, हमें क्या पता था कि वहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरे तो सिर पे, हम 2 लेडीज छत पे खड़े थे, वहाँ पहाड़ियों पे से कुछ लड़के चढ़े जिन्होंने ऊपर से फायरिंग की, और हमारे नीचे से प्रशासन, हमारा नीचे खड़ा था, उन्होंने नीचे से प्रशासन ने गोलियां चलाई। लेकिन उन लोगों के पास पता नहीं कौन सी ऐसी बंदूक थी कि इतनी ऊंची पहाड़ी पे से वो हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे थे, और हमारे प्रशासन के पास इतनी अच्छी बंदूकें नहीं है। मैं सीधी हिंदी भाषा में बोल रही हूँ कि ऐसी बंदूकें नहीं है कि वो उनको यहाँ से गोलियां वहां तक नहीं पहुंची। हाँ जी, हमारे हाँ जी, मेरे पास वीडियो पड़ी है उसकी, हमारे पर हमारे पुलिस वालों की गोलियां एक मतलब ढंग से, बस उन्होंने हमारी इतनी मदद की कि उन्हें भगाया,
बस उन ये कुत्ता समझ के, जैसे कुत्ते को पत्थर मारा जाता है उन्हें भगाया जाता है, उसी तरीके से उन्हें फायरिंग करके भगाया गया। बाकी उनकी गोलियों से हमें पूरा अच्छे से बचा के लेके प्रशासन हमें नूह तक पहुंचाया। नूह के बाद उन्होंने हमें अपनी अपनी गाड़ियों में सुरक्षित, जिनकी बची हुई थी उनमें लोग, मैं अपनी गाड़ी से ही गई थी, अपनी गाड़ी में हम लोग आराम से बैठ के पुलिस प्रशासन ने हमें के एम पी रोड बोलते हैं उस रोड पे हमें, हाँ जी, उस हाईवे पे हमें बहुत अच्छे तरीके से छोड़ के फिर हमें प्रशासन गया, फिर हम अपने अपने घर को लौट के आए। और एक इसी बीच में हमारी गाड़ी जहाँ खड़ी थी, हमारे भाई लोग खड़े थे वहाँ पे, ये एक मोहम्मदन का घर था, तो वो लड़का, उस लड़के की उम्र रही होगी यही 18-19 साल की, उसने अपने घर का दरवाज़ा हमारे सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटा, और पीटने के बाद कहता है दरवाज़ा खोल जल्दी से। उसकी मदर ने बोला हाँ बोल क्या बात है, तो कहता दरवाज़ा खोल कट्टा लेना है। अब कट्टा शब्द क्या होता है मुझे नहीं मालूम, बट उसने बोला कट्टा लेना है, और वो कोई हाथ में हथियार लेके निकला और एम्बुलेंस में बैठ गया। और एम्बुलेंस का जो गाड़ी का वो मतलब चलने का साइड होता है वो उधर जाने का था, लेकिन वो मंदिर की तरफ दोबारा लौट के गए। तो वहाँ के जितने भी लोग हैं ना, कट्टर ही बदमाश टाइप कहा मतलब जाता है। एम्बुलेंस लेकर आ रहे थे ताकि कोई रोके ना उनको रास्ते में, एम्बुलेंस में थे। अच्छा, बिल्कुल, वो एम्बुलेंस में इस तरीके से थे कि एम्बुलेंस की गाड़ी ना लेकर बैठ गए। हाँ जी, कट्टा लेके बैठ गए, उसमें पहले से हथियार लेके कुछ लड़के बैठे हुए थे। चलो ठीक है, कशिश जी का कहना है कि वहाँ पर इनका अनुभव काफ़ी गलत रहा, लेकिन इनको गर्व है कि वो वहाँ पर गई और प्रशासन को, सरकार को पता चला कि वहाँ पर इस तरह से बम बारूद से खेल हो रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ाई के बाद, मतलब पढ़ना लिखना छोड़कर वो बमों से खेल रहे हैं, गोलियों से खेल रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं और आगजनी कर रहे हैं, गाड़ियाँ फूंक रहे हैं, इससे उनका भी फ्यूचर ख़राब हो रहा है। हाँ, फ्यूचर ख़राब हो रहा है। देखिए कितनी बड़ी बदनामी हो गई मेवात की, पूरे देश को पता चल गया कि यहाँ पर बहुत ख़तरनाक लोग रहते हैं और यहाँ पर इस तरह के हालात हैं कि वहाँ पर कोई दर्शन करने के लिए भी नहीं जा सकता, कोई यात्रा नहीं निकाल सकता, कोई मंदिर में नहीं जा सकता, यहाँ तक मंदिर को भी घेर लिया। खैर, अब सरकार ने जो एक्शन लिया है, जो वहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू की है, जो वहाँ पर फोर्सेस की तैनाती हुई है, जो गौ रक्षा के लिए 100 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, तो अभी आप सरकार के एक्शन से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे इस चीज़ की कि कम से कम हम लोग वहाँ गए जल अभिषेक करने, तो इससे हमारी सरकार को ये तो पता चला कि वहाँ ऐसा भी कुछ है जहाँ हमारे कोई भी बंदा वहाँ सुरक्षित नहीं है। और मैडम एक दो खबर ऐसी भी आई है कि एक दो कुछ मुसलमान थे, सरपंच थे, उन्होंने गुरुकुल को जलाने से बचाया, मतलब गुरुकुल को जलाने वाले थे और नुकसान करने वाले थे तो उसको जलाने से बचा लिया, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? भाई कुछ अच्छे भी लोग भी होते हैं। बिल्कुल, हम ये नहीं कहेंगे कि सब खराब हैं आतंकवादी, लेकिन बीच में पैदा तो किए उन्होंने बहुत से, सारा परिवार, अगर परिवार को, किसी के परिवार को भी लिया जाए तो उसमें ये नहीं कि सारे के सारे भाई अच्छे होंगे, कोई ना कोई ऐसा होता है। तो मैं उनको यही कहूंगी कि जो भी मेरा भाई, या चाहे मोहम्मदन हो चाहे हिंदू हो, वो अपने में सुधार लाएं, कोई बात नहीं, अपना इस देश को राष्ट्रीय देश बनाना है, हिंदू राष्ट्रीय देश बनाना है, इसके लिए मैं सरकार से कहूंगी। और जो भी अच्छे लोग हैं उन्हें हम ये नहीं कहते कि हम तुम्हें भगा देंगे, यहीं रहिए, शांति से रहिए, और बिल्कुल इस तरीके से रहिए कि हम सब एक हैं, जैसे पहले भी हुआ करता था और अब भी है। चलो, इनके कहने का मतलब यह है जो अच्छे हैं उनके प्रति इनके मन में कोई नाराजगी नहीं है, और जो गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनके प्रति नाराजगी है ना। APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने हमें मिसाइलें दी, अशफाक उल्ला खान जो हमारी स्वतंत्रता के लिए कुर्बान हो गए, वो भी तो हमारे अपने हैं ना। तो हमारे चाहते हम सारे एक जुट होकर रहें, ऐसा माहौल ना बनाएं कि हमारे देश में माहौल बिगड़े, हमारे दोनों हर किसी के बच्चे सुरक्षित हो, उनके दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी बातें करने की बात ना आए। चलो, बाकी फरीदाबाद में कुछ माहौल खराब हो रहा था, पुलिस ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया, तो पुलिस के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सर, पुलिस ने बहुत अच्छा किया, वैसे भी प्रशासन हमेशा सही करता है, उसको दोनों तरफ देखकर बात करनी पड़ती है, आप एक तरफ वो फैसला नहीं सकता। हम पुलिस से, प्रशासन से, आर्मी से पूरी तरह संतुष्ट है, बस
सावन के सोमवार तक हमारी आखिरी सोमवार तक हमारी जाने की द्वारा से बंदोबस्त करवा दिया जाए, हम सारे मिलकर जाएं और तीनों मंदिरों के दर्शन करके लौटे, यही हमारी इच्छा है। जो हमारी जल अभिषेक की और जो हम जिस चीज के लिए गए थे पूजा करने के लिए, जो हमारा अधूरा रह गया है, हम उसे पूरा करना चाहते हैं। प्रशासन से यही गुजारिश है कि वो हमें पूरी सिक्योरिटी दे और हम लोगों को अच्छे से दर्शन कराएं। बस चलो ठीक है, इनकी मांग मानी जाए। इनका कहना है इनकी यात्रा खंडित हो गई है, जिस मकसद से लोग गए थे वो पूरा मकसद इनका पूरा नहीं हुआ, तो फिर से बंदोबस्त किया जाए, सिक्योरिटी दी जाए ताकि ये फिर से जाएं, मंदिरों के दर्शन करें, जलाभिषेक करें। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।